नाइल को अडॉप्ट किया आपने जी. गाना गाते हैं आप दोनों मिलके कभी कभी? अच्छा नाइल, नाइल क्योंकि बहुत कूल है ना, तो नाइल के अभी जो चॉइसेस ऑफ सॉन्ग्स हैं वो बहुत डिफरेंट है राबिया, और बल्कि पाकिस्तान में स्पेशली वो अब्दुल्ला सिद्दीकी का बहुत बड़ा फैन है. इनफैक्ट आई टोल्ड अब्दुल्ला आल्सो दैट नाइल इज योर बिग फैन, ही इज अ बिग फैन ऑफ योर वर्क. तो बचपन में जाहिर है जब वो मेरे साथ नहीं गा सकता था, छोटू सा था, तो हम मैं कुछ गुनगुनाती थी, सुनाती थी उसको क्यूट क्यूट सी चीज़ें. एक लोरी होती है जिस तरह, मतलब दुरूद की लोरी होती है जो मेरी अम्मी मुझे सुनाया करती थी, तो इस तरह की चीज़ें होती थी. लेकिन अभी भी इट्स अ लॉट ऑफ फन, मतलब हम साथ गाते तो नहीं है, लेकिन ये कि वो इंजॉय करता है. अगर मैं कुछ गाऊँ, रिकॉर्ड करूँ या कोई वीडियो हम लोग रिलीज कर दें तो वो सुनता है, तो कहता है यू नो आई लाइक इट. अब माशाल्लाह ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, 11 अप्रैल में इंशाल्लाह 11 साल का हो जाएगा. तो अब तो वो बड़ा हो गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो गई है, अब वो आपको, आपकी सिचुएशन को बहुत बेहतर समझता होगा. क्या चेंज आया आपकी और उसकी रिलेशनशिप में, एंड हाउ डू यू फाइंड कि ये सिचुएशन ने उसको कैसे शेप किया है? पता नहीं, मुझे लगता है कि नाइल बचपन से ही वो बहुत मुख्तलिफ बच्चा था. वो लोग जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत क्लोजली जिन्होंने मेरी फैमिली को, लाइफ को देखा है और नाइल को देखा है, उन्होंने हमेशा नाइल को एक मुख्तलिफ बच्चे की तरह देखा है. क्योंकि राबिया, जब आपके बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो शायद ये बात मुझे कह ना पाए कि सारे बच्चों की माएँ चलती फिरती भागती दौड़ती हैं, पार्क्स में जाती हैं, सब कुछ होता है, मेरी अम्मा क्यों नहीं करती? वो ये बात मुझसे कभी नहीं कहेगा, बिकॉज ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग. मुझे लगता है कि काश इस दुनिया में सारे बच्चे हो जाएं और कोई बड़ा ना हो, हमारी जिंदगियां इतनी पुरसकून हो, क्योंकि बच्चे जज नहीं करते. बच्चे आपको कमी का एहसास नहीं दिलाते. मेरे लिए बहुत आसान होता है छोटे छोटे बच्चों में बैठकर उनसे बातें करना. मैं बड़ों के सामने बैठकर मैं कहती हूँ यार, यू नो आई डोंट फील कम्फर्टेबल, आई डोंट नो वाई. क्योंकि जब बच्चा होता है वो मुझसे पूछता है तो फिर आंटी आप नाश्ता कैसे करती हैं, तो आंटी फिर आप लेट, आप इसी पे सो जाती हैं. दे आर सच क्यूट एंड इनोसेंट क्वेश्चंस, यू नो. और मैं कहती हूँ कि काश हम सब ऐसे हो जाएं, यू नो, कि हमारे अंदर वो इनोसेंस और वो काइंडनेस आ जाए, कि बच्चा सोच कर बात करता है कि कहीं मेरी बात से. नाइल इज़ दैट. वो बहुत बहुत काइंड, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ मेरा अब्बा है, वो ऐसे मुझे गले लगाता है. अच्छा. एंड यू नो माशाल्लाह वो दिनों में बड़ा हो गया. कि मैं पिछले दिनों नाइल को बता रही थी कि नाइल, आपको पता है आपने शुरू शुरू में खड़ा कैसे होना शुरू किया, वो मेरे व्हील्स को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा होता था. तो कुछ ऐसे भी वाकयात होते थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ ओफ आई यूज़ टू फील सो हेल्पलेस राबिया, कि मामा अगर यू नो इफ़ शी इज़ नॉट अराउंड और वो कहीं, मतलब किसी कमरे में है, कुछ काम कर रही हैं, तो नाइल छोटा सा होता है, हम कहते हैं ना बच्चे को बिस्तर के बिल्कुल बीच में सुलाते हैं कि खुदा ना खास्ता वो रोली पोली करे तो गिर ना जाए. तो एक दफ़ा नाइल सो रहा था, बीच बेड में था जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता बिकॉज आई एम इन द व्हील चेयर. तो एक दफ़ा वो सोते सोते उठ गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड मामा वाज समवेयर कॉट अप, वो नहीं आ सकी. ओ माई गॉड राबिया, यू हैव नो आइडिया. अब बच्चा मेरा बिस्तर के बीच में रो रहा था और मैं यहाँ बैठी थी एंड आई जस्ट कुड नॉट रीच, मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही थी. और नाइल उस वक्त 4 महीने का होगा और पता नहीं मैंने उसको कैसे खींच खींच के अपने व्हील चेयर के करीब किया, फिर मैंने उसको अपने शोल्डर पे लगाया, फिर मैंने उसको खींच कर उठाया एंड व्हेन आई हग्ड हिम एंड आई सेड नाइल, यू नो तुमने जीने का मकसद दिया है मुझे, राइट. और इस तरह के बहुत से मोमेंट्स आते हैं राबिया, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, राइट. फिर उसके बाद जब एक बच्चा आपके आगे जवान हो जाए और जहाँ आप उसको अपनी गोद में छुपाते हैं वहाँ वो कहता है कि यू नो जस्ट यू नो यू कैन रेस्ट योर हेड ऑन माय शोल्डर एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट मामा, इट्स गोइंग टू बी ओके. और इज अ ब्लेसिंग, सुभान अल्लाह. आई मीन अल्लाह की शान है ना कि वो बेबसी में भी आपको कितना कुछ नवाज देता है. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला, दिस इज व्हाट यू प्लान्ड फॉर मी. मैं तो अपने लिए कुछ भी प्लान करती वो कभी काफी ना होता. नो वंडर ही इज द बेस्ट प्लानर. डेफिनेटली डेफिनेटली. कोई और स्टोरी है मजे की नाइल के बचपन की जो सुना सके? सम टाइम यू पैनिक्ड कि मैंने क्या किया है ये? नहीं नहीं अल्लाह, मैं कहती काश ही मैं पहले कर लेती. अरे नहीं नहीं कभी नहीं, ये तो कभी, मतलब हमारी आदतें इतनी मिलती हैं राबिया. मैं आपको बता भी रही थी कि मुझे आदत है कि मैं जब भी कहीं ग्रोसरी शॉपिंग कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा 2 चीज़ें लेती हूँ, राइट. अगर कोई टूथब्रश है या कोई, इवन अगर चॉकलेट का पैक है तो आई विल गेट 2. और ये आदत नाइल में भी है. एवरी टाइम ही गोज फॉर वट एवर कैंडी शॉपिंग तो वो कहते हैं नो आई एम गोइंग टू गेट 2 और आई एम गेट 4. मैं कहती हूँ व्हाट्स दिस, लाइक ये इवन वर्ड्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है. बट हमारी बहुत सी आदतें मिलती हैं. ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही कैन रीड माई फेस. If I'm going through something, he'd be like,
you don't seem right, I'll see you later. And then he goes. Ah, so he gives you time. Oh, he does. Wow, okay. He is, alhamdulillah, wo itna mature bachcha hai ke usko pata hai when mama needs space. And when he's not understanding, I look at him and say, I need, just give me 5 minutes. I need my own space. And he goes. And then he comes when I call him. और बहुत राबिया उससे तो मैं इतना सीखती हूँ. आई मीन हर दिन कुछ ना कुछ. ही इज अमेजिंग माशाल्लाह. व्हाट अ ब्लेसिंग. वीवा, व्हाट वुड यू से, आपको लगता है सिंगल वुमन जो बहुत दफ़ा शादी नहीं होती, उम्र ज़्यादा हो जाती है, बहुत दफ़ा नहीं मिलता आपको अपनी, बहुत दफ़ा आप शादी करके अलहदा हो जाते हैं, बेवा हो जाते हैं, या किसी भी वजह से आप, वुड यू एडवाइस कि ये एक चीज़ है अडॉप्शन जो मे बी जो औरतें अकेली हैं उनकी ज़िंदगी इनको थोड़ा बेहतर कर सकें, कंपेनियनशिप की जो हम एक वो ऑपोजिट जेंडर में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं वो शायद इससे थोड़ी सी हो जाए. लाइक व्हाट वुड यू से अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट. क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे ये चीज़ स्ट्रक की कि ये आपका जर्नी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हल्की सी कंफर्ट आई तो नायल एक बहुत बड़ा सबब है उसका. ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स. अच्छा देखिए, अडॉप्शन का एक पूरा प्रोसेस है राबिया. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनर यानी बच्चे की सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है, राइट. उसमें बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई बच्चा क्यों अडॉप्ट कर रहा है. यू डोंट नो, आप नहीं, किसी का दिल किया बच्चा गोद लेने का, 4 साल के बाद उसका दिल नहीं कर रहा गोद लेने का, राइट. तो बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के, बच्चे की प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रख के लोगों को बच्चे दिए या ना दिए जाते हैं. आई विश कि ये सिलसिला थोड़ा आसान हो जाए ताकि बहुत से बच्चे जो मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं और बहुत से वालदैन जो औलाद के लिए तरस रहे हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए. सिंगल मदरहुड के बारे में बस मैं ये कहूँगी राबिया कि मैंने कभी नाइल का बाप बनने की कोशिश नहीं की, राइट. आई एम नॉट हिज फादर, आई कैन नेवर बी, आई डोंट इवन वॉन्ट टू बी. मैं सिर्फ उसकी माँ बन के ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ये नाइल को पता है. हम कहते हैं ना कि सिंगल पेरेंट को बाप भी बन के पालना पड़ता है, माँ भी बन के. नो, आई डिसएग्री विद दैट. एक जो फादर का रोल है ज़िंदगी में वो माँ रिप्लेस नहीं कर सकती, जो माँ का रोल है वो बाप रिप्लेस नहीं कर सकता. मगर आप सिंगल हैंडेडली भी चीज़ों को बखूबी मैनेज कर सकते हैं. उसमें फादरली फिगर मेरे दो भाई हैं मेरे बेटे की ज़िंदगी में, अली मामू हु लिव्स इन US, मेरा छोटा भाई हु लिव्स विद अस. तो हम सब मिलकर एज अ फैमिली चल रहे होते हैं. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि नाइल की माशाल्लाह मेरे से पहले मेरी वालदा माँ है, राइट. क्योंकि एज आई सेड कि मैं तो उसको बिस्तर से उठाकर गोद में भी नहीं बिठा पाती, तो अल्लाह ताला मेरी वालदा को बहुत लंबी ज़िंदगी दे. आई मीन शी इज़, मैं कहती हूँ पहले वो माँ है और उसके बाद मैं उसकी छोटी माँ हूँ. तो लेकिन आपने जिस तरह बात की अडॉप्शन की, तो आई विश ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर सकते, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों की सेफ्टी के लिए तो आप कुछ कह नहीं सकते. लेकिन बट यू थिंक, अच्छा जो ख़वातीन सोच रही हूँ कि वो ये करें, आप उनको क्या कॉशन करना चाहेंगी, या उनको दो तीन, कॉशन तो मैं गलत वर्ड बोलूँगी, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं, तो उनको जहन में क्या चीज़ रखनी चाहिए. वैसे तो मेरा ख्याल है सिंगल वुमन का पाकिस्तान में अडॉप्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यू कैन या गार्डियन कर सकते हैं, या अगर हो जाए, हदीका कियानी ऑल्सो वेंट अराउंड, बट उनका भी थोड़ा मुश्किल ही था. तो आप क्या दो तीन बातें बोलेंगी कि वो लड़कियाँ या ख़वातीन जहन में रखें, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन. इसलिए अडॉप्ट नहीं करें कि आपको ज़रूरत है, आप बोर हो गए हैं. अडॉप्शन, ये याद रखिएगा कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया है उससे अगर आप ज्यादती करेंगे और उसकी आंख से एक आंसू निकलेगा ना, तो कहते हैं आसमान हिलता है. तो ये एक बहुत ही एक तलवार है जिस पे आप चलते हैं कि आपने बच्चे को, वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला भी देना है, मगर इतनी सख्त नज़र रखनी है कि कहीं दिल दुख जाए और उसकी आँख से आंसू ना आ जाए. क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ देम. अगर आपको अल्लाह वसीला बना रहा है तो ये उसका करम है आप पर. तो बहुत सोच समझ कर, और ये बात भी याद रखिएगा कि लोग बहुत सी बातें करेंगे, लोग कहेंगे कि बेटा गोद ले लो, लोग कहेंगे बेटी गोद ले लो, मगर मैं ये बताऊंगी अडॉप्शन में चॉइसेस नहीं होते. जब आप कहते हैं ना आई वॉन्ट टू अडॉप्ट, तो उसमें आप अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है और जो उस बच्चे के हक में बेहतर है बस वो कर दे. तो फिर जब आप आंख बंद करते हैं और आप आंख खोलते हैं तो आप देखते हैं आपकी गोद में एक बेबी आया होता है. सच अ स्वीट स्वीट थिंग टू से. मुनीब, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इस मुल्क में क्या 4 से 5 चीज़ें इमीडिएटली करनी चाहिए टू मेक पाकिस्तान एक बेहतर जगह डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए?
एक लॉ है जो कि बहुत अरसे से फंसा हुआ है, वो है एक्सेसिबिलिटी लॉ। बस गवर्नमेंट सिर्फ वो कर दे, गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हमारी सोच नहीं बदल सकती राबिया। मतलब और क्या करे गवर्नमेंट के, मैं पीटीवी जो कि एक स्टेट चैनल है, आई एम वर्किंग विद पीटीवी फॉर सो लॉन्ग, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन कि एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टेट चैनल पर। गवर्नमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कि एक मतलब एक एक लॉ है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत बेसिक चीज़ों में मौजूद नहीं है। आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आप एक घर रेंट करना चाहते हैं और आपने कुछ अरसा वहाँ गुजारना है, तो उस घर के बाथरूम्स की विड्थ इतनी नहीं होती कि आपकी व्हीलचेयर अंदर चली जाए, आपको दरवाजे कटवाने पड़ते हैं, बेसिक्स। मुझे कितने लोग इनवाइट करते हैं कि आप आ जाइए जी, यू नो, एंड ये करेंगे हम, वो करेंगे, वो बेचारे रैंप नहीं लगा पाते, तो मुझे आकर कहते हैं कि मैम सो सॉरी रैंप नहीं है, या रैंप इतना स्टीप और स्लिपरी होता है कि मतलब उस पर एक नॉर्मल इंसान भी नहीं चल सकता, यू नो। तो आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डालकर उस रैंप को कहते हैं यार आप इसको रहने दें, तो फिर ऑप्शन क्या बचती है, मैम हम आपको उठा लेते हैं। तो मैं उस पर लोगों से कहती हूँ कि व्हीलचेयर एक्सेसरी नहीं होती, ये जिस्म का वजूद का हिस्सा होती है। आपको कैसा लगेगा कोई आपको कहे आए मैं आपको उठा के ले जाऊँ, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल, राइट। तो मुझे क्यों ये कहना पड़ रहा है बींग अ टैक्स पेयर कि ये मेरा राइट है, मुझे चाहिए, ये आपका एहसान नहीं है कि आप मेरे लिए रैंप्स बना रहे हैं। आई एम पेइंग टैक्स उतना ही जितना एक सेहतमंद इंसान दे रहा है, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे कि किसी को ये एहसास हो कि एक एक लॉ है जिसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉ मौजूद है, देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, बस हुकूमत इतना करते हैं।